रहने वाला है, जिसने अपना आपको आरबीआई का चीफ जनरल मैनेजर बताकर हमें नौकरी का बैंक में नौकरी का लगाने का झांसा देकर रुपए ऐटे हैं, नहीं तो नौकरी लगा रहा है, नहीं हमारे रुपए वापस दे रहा है। इस प्रकार इन लोगों के साथ में मनीष गहलोत ने धोखाधड़ी की है। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEE राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। जोधपुर में रहने वाले आरोपी ने अजमेर के 3 युवकों से 30 से 40 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर हड़पे। रामगंज थाना अंतर्गत न्यायालय से 3 परिवार इस्तगासे के जरिए थाने को प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर रामगंज थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि परिवादी रूपचंद माली नारीशाला सुभाष नगर, चेतन सैनी निवासी नारीशाला और अमित गढ़वाल निवासी नारीशाला सुभाष नगर ने न्यायालय में इस्तगासा दायर कर आरोप लगाए हैं कि नागौरी बेरा मंडोर जोधपुर निवासी मनीष गहलोत ने अपने आप को आरबीआई का चीफ जनरल मैनेजर बताकर उनसे बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिए। अब ना तो नौकरी लगा रहा है और ना ही रुपये वापस लौटा रहा है, जिस पर न्यायालय द्वारा परिवाद रामगंज थाने को ट्रांसफर किए गए हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। न्यायालय से 3 परिवाद प्राप्त हुए। परिवादी श्री रूपचंद सुनोब लालाराम, जाति माली, उम्र 68 साल, निवासी नारीशाला। दूसरा आया है चेतन प्रकाश सैनी सुनोब श्री स्वर्गीय किशन लाल, जाति माली, निवासी नारीशाला सुभाष नगर। और तीसरा अमित गढ़वाल सुरेश गढ़वाल, जाति माली, उम्र 40 साल, निवासी नारीशाला सुभाष नगर ने रिपोर्ट दी कि मनीष गहलोत नाम का व्यक्ति जो नागौरी बेरा मंडोर जोधपुर का रहने वाला है, जिसने अपना आपको आरबीआई का चीफ जनरल मैनेजर बताकर हमें नौकरी का बैंक में नौकरी का लगाने का झांसा देकर रुपए ऐटे हैं, नहीं तो नौकरी लगा रहा है, नहीं हमारे रुपए वापस दे रहा है। इस प्रकार इन लोगों के साथ में मनीष गहलोत ने धोखाधड़ी की है, जिस पर 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज हुए हैं, अनुसंधान जारी है। करीबन किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 12 लाख, इस तरह हैं।